भाई का साथ छूट गया है, अनुराधा पोरवाल की उस बेटी कविता की हम बात कर रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन अ स्पेशल प्रोग्राम। टुडेज स्पेशल प्रोग्राम इज ऑल अबाउट बॉलीवुड फेमस म्यूजिक कंपोजर, यंगेस्ट म्यूजिक कंपोजर आदित्य पोरवाल। ये तो आप भी जानते हैं कि दो दिन पहले सुबह शनिवार को आदित्य पोरवाल ने हिंदुजा हॉस्पिटल में आईसीयू में लंबे समय तक अपनी किडनी संबंधित बीमारी से जूझते हुए जिंदगी से नाता तोड़ा। वो हार गए इस बीमारी से, लेकिन अपने भाई के चले जाने के बाद आज अनुराधा की बेटी की क्या हालत है, बेटी कौन है वो जो कि अपने भाई के लिए हमेशा हर साल राखी में रक्षाबंधन पर त्योहार पर भाई की सेहत की दुआएं करती थी, भाई की अच्छी सेहत के लिए कामना करती थी। आज अनुराधा पोरवाल के बेटे के बारे में बात करने के बाद हम बेटी की भी बात करेंगे। आज भाई को खो देने के गम के साथ, पिता को खो देने के बाद अपनी माँ को अकेली संभाल कर कैसे इस गम से निकल पाएगी कविता पोरवाल, उनके बारे में हम बात करेंगे। हम आपको दिखाएंगे कौन है अनुराधा पोरवाल की वो बेटी जो बेहद बदनसीब बहन है, बेहद बदनसीब बेटी भी है। अरुण पोरवाल की अपने पिता को खो देने के बाद आज अनुराधा पोरवाल की बेटी है जो कि आखिरी सहारा अपनी माँ अनुराधा की बनकर रह गई है। फिल्मों की लाइमलाइट से बेहद दूर कविता पोरवाल की जिंदगी बहुत तकलीफ दे है और भाई को खो देने के गम में फिलहाल उनके पास शब्द नहीं है कैसे वो अपने भाई को श्रद्धांजलि दे। अंतिम यात्रा में बहन रो रो कर बेहाल हो गई। आज तक आपने सुना होगा कि भाई को खो देने के गम में बहन रोती है और बात भी रखती है, लेकिन ये बहन अपना दर्द भी किसी से नहीं बांट सकती क्योंकि वो तकलीफ छुपाएगी अपनी माँ अनुराधा पोरवाल के लिए और अपनी माँ को इस गम से निकालने की। बुढ़ापे में अनुराधा पोरवाल को अपनी बेटी का साथ, सिर्फ एक आखिरी साथ अब मिल गया है। बुढ़ापे का सहारा, बुढ़ापे की लाठी अनुराधा पोरवाल का बेटा अब चला जा चुका है। 35 वर्षीय उस बेटे को खो दिया है अनुराधा ने, 35 वर्षीय उस भाई को खो दिया है कविता पोरवाल ने। वो भाई जो बॉलीवुड में फिल्मों में बतौर म्यूजिक कंपोजर और प्रोड्यूसर काम कर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करा चुका था। वो भाई जिसके चेहरे की हंसी बहन की खुशियों में हमेशा दुआओं के साथ रहती थी, आज वो बहन की बदनसीब बेहद तकलीफ दे है। हम आपको हमारे इस खास प्रोग्राम की एक स्पेशल रिपोर्ट की तरफ ले जाते हुए बताना चाहेंगे, अनुराधा की बेटी भी उतनी ही तकलीफ में है जितना शायद हर एक बहन को अपने भाई को खो देने के गम में होती है, और वो तकलीफ को शब्दों से बयां करना वाकई बेहद कठिन है क्योंकि ये तकलीफ कभी भी ताउमर नहीं कम होगा जो जख्म भाई के चले जाने के बाद अनुराधा की बेटी को मिला है। वो जख्म कोई नहीं भर सकता क्योंकि वो चांद सा चेहरा कविता के भाई बॉलीवुड म्यूजिक कंपोजर आदित्य पोरवाल के चेहरे का अब देखने के लिए तरस रही है बहन। आइए देखते हैं आदित्य की बहन कौन है, देखिए जरा रिपोर्ट। हम बात कर रहे हैं अपने इस रिपोर्ट में अनुराधा पोरवाल की बेटी कविता पोरवाल के बारे में। कई लोग ये जानते हैं कि कविता पोरवाल आज अपने भाई के निधन के बाद भरी ही सोशल मीडिया पर भी तकलीफ जाहिर ना कर पा रही हूँ। कविता खुद भी एक सिंगर रह चुकी हैं, अनुराधा पोरवाल की बेटी कविता भी एक सिंगर हैं, और जो सपने कविता ने देखे थे सिंगिंग की दुनिया में अपने परिवार को आगे बढ़ते देखने की, वो सपने उनके भाई ने पूरे किए। कविता पोरवाल के बारे में कहा जाता है कि कविता पोरवाल जो हैं एक ऐसी सिंगर रही हैं जिन्होंने अपनी माँ को हमेशा खुश देखना चाहा। मुंबई के महाराष्ट्र में रहने वाली कविता एक वर्सटाइल सिंगर है, अनुराधा पोरवाल की बेटी। आज उनके बारे में आपको बता दें, ट्रेडिशनल तरीके से गाना गाने में वो बहुत खास रही हैं। अपने पिता के जाने के बाद वो अपनी माँ के और भी ज़्यादा करीब आ गई थी, और माँ के साथ उनकी ये तस्वीरें, भाई के साथ उनकी ये तस्वीरें देखकर आपको इस बात का अंदाज़ा तो अच्छी तरह से हो ही चला होगा कि वाकई में अपने भाई की वो बहुत करीब थी।
कविता पोडवाल जो हैं अपने भाई के दिल की बहुत करीब थी, क्योंकि कविता पोडवाल को अपने भाई के साथ वक्त गुजारना पसंद था। और इसलिए आज उनके भाई के निधन के 2 दिन बाद हम आपके बीच ये तस्वीरें आदित्य पोडवाल की बहन की लाए हैं। सिंगिंग की दुनिया में अपनी माँ की तरह दोनों ही भाई बहन ने खूब नाम रोशन तो किया, लेकिन ये भी सच है कि सिंगिंग की दुनिया में आज उन्हें इतना प्यार सम्मान नहीं मिल रहा जितने के वो हकदार थे। और यही कारण है कि अपनी माँ की इकलौती सहारा बनकर बहन के सिर पर ज़िंदगी में कितना बड़ा मुसीबत का पहाड़ टूटा है, ये कविता पोडवाल शब्दों से नहीं बता सकती। माँ की दुलारी बेटी अब ना सिर्फ माँ की बेटी है बल्कि बेटा भी है। माँ और बेटी का रिश्ता तो बहुत खास रहा है, लेकिन माँ बेटी के इस रिश्ते के बारे में बातें बहुत कम सामने आती हैं। बहुत सादगी भरे अंदाज में वो ज़िंदगी हमेशा जिया करती थी। यही कारण है कि बॉलीवुड की इस लाइमलाइट से दूर कविता पोडवाल को उतनी बड़ी पहचान कभी नहीं मिली। वल दर्शकों, ये था हमारा आज का बेहद ही स्पेशल प्रोग्राम अनुराधा पोडवाल की बेटी को लेकर। हमने हमारे इस प्रोग्राम में आपके बीच बात की है, कौन है वो अनुराधा पोडवाल की बेटी जिसने फिल्मों में ना तो बतौर एक्ट्रेस ना तो बतौर सिंगर काम करने की इच्छा लंबे समय तक कभी बनाई। जिस तरह आज अनुराधा अपने बेटे को खो देने के गम के बाद भी अब सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी की एकमात्र रिश्ते में उनकी दिल की करीब रह गई है। अनुराधा एक ऐसी सिंगर हैं जिन्होंने फिल्मों में एक सिंगर का काम किया, जिसके बाद भक्ति के गाने उन्होंने गाए। अगर आपको मालूम हो तो गुलशन कुमार के गाने के साथ भक्तों के गानों में, भक्ति के गाने में, माता रानी के गाने में आवाज पूरे हिंदुस्तान में अनुराधा पोडवाल की गूंजा करती थी। हर एक भक्ति गाने में उनकी आवाज का जादू चलता था। ना सिर्फ हिंदी गाने, पंजाबी से लेके मराठी और कई भाषा के गाने में उन्होंने अपनी आवाज दी है, लेकिन आज वो अनुराधा अपनी बेटी के साथ फिल्मों से दूर बेहद तकलीफ भरी जिंदगी और इस तकलीफ भरे सफर में अकेली है, बेसहारा है। दर्शकों, अब वक्त हो चला है आपसे यही विदा लेने का। हमने बात की बॉलीवुड की दिग्गज सिंगर अनुराधा पोडवाल की बेटी आदित्य के बारे में, किडनी से जुड़ी बीमारी से जूझते हुए जिनका निधन बीते शनिवार की सुबह हुआ, जिसके बाद आज वो हमारे बीच नहीं है। हमने आपके बीच बात की फिल्मों में इस तरह से आ रही दुख भरी खबर की। ये साल यानी कि साल 2020 कितना तकलीफ दे रहा है सबके लिए, ये आपने जाना हमारे इस प्रोग्राम में। वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, फिर लौटेंगे ऐसे ही तमाम खबरें लेकर। देखते रहें आप नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।